वाकम प्रशांत भाई, नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। देखिए, संधि की श्रृंखला में हम लगभग समस्त स्वर संधि पढ़ चुके हैं, पर रूप संधि अभी हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने पूर्व रूप संधि पढ़ा था। पूर्व रूप संधि का नियम था एंगह पदांता दति, पदांत एंग के बाद यदि कोई अ छोटा आ आता है तो दोनों पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। पूर्व में जो वर्ण है, मतलब पूर्व में क्या रहेगा, अथवा ए रहेगा अथवा ओ रहेगा, केवल वही शेष रहता है। उदाहरण में हमने देखा था जैसे हरेव है ना, हरे धन अव था वहाँ पर, और विष्णोव, विष्णु धन अव। तो पदांत एंग, एंग मतलब होता है एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो पदांत एंग हुआ इसमें ए और इसमें ओ। इसके बाद अत आने पर, अ आने पर, छोटा आ आने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूपी एकादेश होता है। पूर्व में क्या है, ए है, तो दोनों के स्थान पर केवल ए बचेगा, तो बन जाएगा हरेव है ना, और यहाँ पर विष्णुव। खंडाकार, इसको खंडाकार कहते हैं है ना। जब अ अपनी जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता है अथवा आ का लोप होता है तो ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन वह छोड़ के चला जाता है। तो हरेव और विष्णु, आज हम अभी हमें पढ़ना पर रूप संधि। ठीक, देखिए पर रूप संधि का नियम है एंगि पर रूपम अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परतः पूर्व परयो स्थाने पर रूपमेकादेशः भवति। अर्थात उपसर्गात, कैसा उपसर्ग, तो अवर्णांतात उपसर्गात है ना, अवर्ण है अंत में जिसके ऐसा उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्ग होते हैं 22, यहाँ पर लिखे हैं। देखिए प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप है ना, ये प्रादि 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि उपसर्ग तो, लेकिन कैसा उपसर्ग, अवर्णांत, अवर्णांत उपसर्ग भाई, उपसर्ग के बाद, लेकिन कैसे उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, ऐसा उपसर्ग जिसके बाद अवर्ण हो। ठीक है, तो एक उपसर्ग हमें ये मिल गया प्र, इसके बाद आ है, और एक हो गया आपका उप है ना, इसके बाद भी आ लिखा है, तो प्र और उप ये दो उपसर्ग मिल गए जिनके बाद अवर्ण है ना, छोटा आ जिसके बाद है। ठीक, ये सब हल हैं। ठीक है, बाकी सब हल हैं। तो प्र और उप ये दो हमें उपसर्ग मिल गए। अवर्णांत उपसर्ग के बाद, धातु के परे रहने पर धातु परतः, कैसी धातु, तो कहा एंगादौ धातु है ना, उपसर्ग के बाद, कैसे उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण हो है ना, जैसे प्रा अथवा जैसे उप। इनके बाद क्या है, प्रा में छोटा आ लगा है ना, उप में भी पा में छोटा आ लगा है, तो ये हुआ अवर्णांत उपसर्ग है ना। अब इनके बाद क्या, तो कहा धातु परतः, किसी भी धातु के परे रहने पर, नहीं एंगादौ धातु परतः है ना, एंगादि धातु के परे रहने पर, मतलब ऐसी धातु जिसके आदि में, जिसके पहले एंग हो, एंगादि धातु है ना के परे रहने पर क्या होता है, पूर्व व पर के स्थान पर है ना, पूर्व व पर के स्थान पर पूर्व परयो स्थाने पर रूपम एकादेशः भवति। पूर्व व पर के स्थान पे, पूर्व व पर के स्थान पर कौन सा आदेश होता है, तो पर रूप एक आदेश होता है, मतलब जो पर में रहेगा ना केवल वही वर्ण शेष रहेगा। एक बार इसका अर्थ लिख लेते हैं, अवर्णांत उपसर्ग के बाद इंगादि, इंगादि धातु आने पर पूर्व व पर के स्थान में, पूर्वापर के स्थान में क्या होता है, पर रूप, पर रूप संधि हम पढ़ रहे हैं ना, तो पर रूप एक आदेश होता है, एक आदेश होता है। देखिए
अर्थ समझ गए हैं आप, अवर्णांत उपसर्ग के बाद है ना, जब एंगादि धातु आए ठीक, तो पूर्व व पर के स्थान में जो पर में रहेगा ना केवल वही शेष रहेगा। जैसे उदाहरण हम समझते हैं प्रेजते, तो इसका संधि करेंगे प्राधन एजते। भाई एंग किसे कहते हैं, एंग आदि से क्या मतलब है, एंग मतलब होता है ए और एंग बराबर ए और ओ ठीक, ऐसी धातु जिसके पहले ए रहे अथवा ओ रहे ठीक है, तो वो है एंग आदि धातु। अब देखिए यहाँ पर अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांतात उपसर्गात, पंचमी का एक वचन, अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्रा, प्रा के बाद छोटा आ है ना, है ना, प्रा हल कर दीजिए, छोटा आ बाहर निकाल लीजिए, तो ये अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्रा। इसके बाद क्या कह रहा है, एंगादि धातु के आने पर, तो एंगादि इसमें एंग है कि नहीं, एंग मतलब क्या होता है ए और ओ, और एज धातु भी है ठीक है, तो एंगादि धातु भी हमें मिल गई। तो क्या होता है भैया, दोनों के स्थान पर, पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व व पर के स्थान पर है ना, पूर्व परयो स्थाने किम भवति, पररूपमेकादेशः भवति, पररूप एकादेश होता है ठीक। तो आ के स्थान पर और यहाँ पर जो एजते का ए है, इसके स्थान, ये हुआ पूर्व और ये हुआ पर, आ और ए के स्थान पर क्या होगा, पर रूप एकादेश। पर में क्या है भैया, पर में केवल ए है, तो इन दोनों के स्थान पर केवल ए रह जाएगा ठीक है। अब जब ए रह गया तो प्रा तो हल है ना, प्रा जब हल है तो ए जो है वह प्रा में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रे और जते, प्रे जते ठीक है, क्लियर। एक बार और देखिए, प्राधन ए जते स्थिति है, इसके बाद सूत्र लगता है। हाँ एक चीज़ और, ये वृद्धि संधि का अपवादक है ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि था अयादि संधि का अपवादक है ना, और यह जो पररूप संधि है वह वृद्धि संधि का अपवादक है। वृद्धि संधि भी क्या कहता है, अवर्ण के बाद एच के आने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपी एकादेश होता है, तो अवर्ण के बाद एच तो है ही, ए ओ आई ओ आते हैं एच में, तो ये उसका अपवादक है। ये कहता है अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि इंगादि धातु सामने है तो दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता है, तो अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्रा और एंगादि धातु हो गई एज धातु का ए है ही, एंगादि धातु हो गया, पूर्व व पर के स्थान पे पूर्व में है छोटा आ, पर में है ए, इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश, पररूप मतलब होता है पर में जो वर्ण है केवल वही शेष रहेगा, तो पर में कौन सा वर्ण है, ए वर्ण है पर में, इन दोनों के स्थान पे केवल ये वाला जो ए है वो शेष रह जाएगा। जब ये शेष रह गया तो प्राहल है, ये वाला जो ए है वह प्रा से मिल गया, बन गया प्रे, और यहाँ जते को हम नीचे ले आए, प्रे जते ठीक। दूसरा देखते हैं, देखिए प्रे जते के बाद है प्रेलयति, प्राधन ए ल यति, यहाँ पर भी सेम स्थिति है, प्रा अवर्णांत उपसर्ग है प्रा, प्रा में आ है, और एजादि धातु है, एंगादि धातु है, एंगादि धातु के परे रहने पर, तो एंगादि धातु हमें मिल ही गई है, पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व में है आ, पर में है ए, इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश होता है, पर में क्या है ए, तो ये वाला जो ए है और आ मिलके केवल ए शेष रह गया, प्रा हो गया हल आपका है ना, और यहाँ पर लयति, चूँकि आ के स्थान पर और ए के स्थान पर तो केवल ए हो गया ना, तो प्रा हो गया आपका हल, ये वाला ये प्रे से मिल, प्रा से मिल गया, तो प्रे और लयति, प्रे लयति हो गया ठीक। इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, उपोषति, देखिए उप धन ओषति, यहाँ पर भी देखिए अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग है कि नहीं, उपसर्ग के अंतर्गत उप आता है, 22वें नंबर पे उप आ रहा है, और अवर्ण भी इसके बाद में है, उप पामे निकाल लीजिए अबाहर, पामे तो अवर्ण है अंत में जिसके ऐसा उपसर्ग हुआ उप है ना, एंगादि धातु हुई औषधि का, एंगादि धातु है ये, इसमें क्या है, इसके बाद ओ है, एंग आदि में है इसके ठीक है, तो पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व हुआ आ पर हुआ ओ, पूर्व व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है, मतलब पर में जो है वर्ण वही यहाँ पर
हो जाएगा। पर में कौन सा वर्ण है? ओ है, तो इन दोनों के स्थान पे केवल ओ वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के स्थान पे आपने ओ कर दिया, पाहल है ना। अब जब पाहल है तो ये ओ जो है वह पा में मिल जाएगा, बन जाएगा उपो। यहाँ पर केवल दो वर्ण शेष रहा है, उपोषति। ठीक, क्लियर, उपोषति हो गया। इसके बाद देखते हैं एक उदाहरण और, उपेलयति। ठीक, इसी तरह से काम करेगा उपेलयति भी। देखिए, उप धन एलयति, यहाँ पर भी अवर्णांत उपसर्ग है, अवर्ण है उपसर्ग अंत में जिसके ऐसा उपसर्ग उप, और एंगादि धातु भी है एलयति, ए सामने है, ए और पा में जो आ है उसके स्थान पे केवल पर रूप एक आदेश हो जाएगा। पर में चूंकि ए है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। पाहल है, जब पाहल है तो ये इसमें मिल जाएगा जो हमने दोनों के स्थान पे किया है, उपेलयति। ठीक, उपेलयति हो गया। देखिए इसके बाद है उपोषति, उपधन ओषति हो गया था क्या? उपोषति अभी नहीं हुआ। देखिए उपधन ओषति है, अवर्णांत उपसर्ग है उपपा में आ, और यहाँ पर ओ है इंगादि धातु, इन दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश, मतलब पर में जो है केवल वही वर्ण होगा, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा इन दोनों के स्थान पे, ओ के स्थान पे, और पा में जो आ है उसके स्थान पे। जब आ और ओ के स्थान पे आपने ओ कर दिया तो पा हो गया हल आपका। स्थिति क्या है? ये है, बस इसको जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका रूप उपोषति। ठीक है मित्रों, तो समझ में आया होगा, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा उपसर्ग जिसके बाद में अवर्ण हो, है ना, उसके बाद क्या धातु परतः, धातु के परे रहने पर, लेकिन कैसी धातु? तो कहा कि एंग आदि धातु के परे रहने पर ऐसी धातु जिसके आदि में एंग हो, एंग मतलब क्या होता है, ए और ओ, ऐसी कोई धातु जिसके पहले ए अथवा ओ हो। ठीक, तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु के परे रहने पर पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व व पर के स्थान पर क्या होता है? पर रूप एक आदेश होता है, पर में जो वर्ण होगा वही दोनों के स्थान पर हो जाएगा। ये आपका पररूप संधि है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।